हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट फिफ्थ ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर द 1830 टू 1848। वी आर गोइंग टू कवर द पीरियड ऑफ 1830 टू 1848। ठीक है, 1830 से लेके 1848 तक कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए और क्या क्या चेंजेस आए उसको हम समझेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखो, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, द लिबरल रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 टू 1848। तो बहुत सारे लिबरल रिवॉल्यूशंस आएंगे जिसके कारण जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो ऑल ओवर द यूरोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लिबरल रिवॉल्यूशन के बारे में तुम्हें लास्ट पार्ट में बताया ही था। लिबरल मतलब फ्रीडम, और एक तरीके से फ्रीडम पाने के लिए रिवॉल्यूशन करना यूरोप के अंदर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लिबरल रिवॉल्यूशन। आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, और कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में, द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। तो ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, यानी जो कंजर्वेटिव्स रिजीम थी, वो क्या है, अब वो सत्ता में आ चुकी थी, जिसे क्या कहा जाता था, ऑटोक्रेटिक रूलर्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो वो पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पावर जो है इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग उनके नीचे दबे रहे। इन अ मेन टाइम लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म अरोज एज अ न्यू फोर्स। तो लेकिन जो लोगों की फ्री होने की जो इच्छा थी, लिबरलिज्म की जो इच्छा थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं। जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था क्लास 9th में जो हमने पढ़ा, इसी तरीके के छोटे छोटे रिवॉल्यूशंस अब भी होंगे। किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए और लिबरलिज्म के लिए। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1830s देयर वॉज अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, बेल्जियम, पार्ट्स ऑफ जर्मनी, इटली एंड प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर रिवॉल्यूशंस होते हैं, फ्रांस में होते हैं, बेल्जियम के अंदर होते हैं, जर्मनी के कुछ पार्ट्स में होते हैं, इटली में ऑटोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर होते हैं, और आयरलैंड एंड पोलैंड्स में। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, तुम्हें बस याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये रिवॉल्यूशंस हुए थे। ठीक है, दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। इनको किसने लीड किया था, लिबरल नेशनलिस्ट्स ने। ठीक है, पार्टी होती है ना जैसे, उसी तरीके से है, लिबरल नेशनलिस्ट बोला जाता है बस उन्हें। जो लोग फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, लिबरल नेशनलिस्ट। तो जो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे यूरोप में, उन्होंने इस रिवॉल्यूशंस को लीड किया था। और इसमें कौन लोग आया करते थे, वेल्दी मिडिल क्लास लोग आया करते थे। दीज वर द वेल्दी मिडिल क्लास पीपल, अमॉन्ग वोम वर द प्रोफेसर्स हुआ करते थे, स्कूल टीचर्स, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास लोग आया करते थे इसमें, मतलब ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड हुआ करते थे, स्कूल वाले टीचर्स या प्रोफेसर्स, या कि कमर्शियल मिडिल क्लास जो कि पढ़ी लिखी होती थी, एलीट एजुकेटेड क्लास। ठीक है, जो कि जिन्होंने अब क्या किया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, लोगों के अंदर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना स्टार्ट कर दिया था। द फर्स्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस एंड देन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। ठीक है, पहला रिवॉल्यूशन होता है और इसी रिवॉल्यूशन से पूरे यूरोप के अंदर ये रिवॉल्यूशन की एक लहर सी फैल जाती है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ था। तो ये बात हो रही है हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। देखो, एक बात समझो कि 1789 में भी जो पहला रिवॉल्यूशन हुआ था वो भी फ्रांस में हुआ था, और उसी की वजह से सारे यूरोप में थोड़े थोड़े रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो चुके थे। और अब भी जब 1830 की बात कर रहे हैं हम लोग, तब भी सबसे पहले रिवॉल्यूशन कहाँ पर होता है, फ्रांस के अंदर होता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप पर, मतलब पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो ये किसने कहा था, मैटरिंग ने कहा था। ठीक है, याद रख लेना, ये उन्होंने कहावत कही थी कि अगर फ्रांस छीकेगा तो पूरे जो यूरोप है उसको जुखाम हो, यानी कोल्ड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर रिवॉल्यूशन फ्रांस से स्टार्ट हुआ होता है और पूरे यूरोप में वो फैल जाता है, जिस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसी तरीके से अब भी जुलाई रिवॉल्यूशन होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रांस से, और पूरे यूरोप में वो फैल जाता है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। तो 1830 में ये कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या हुआ था, इसमें समझते हैं इसे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहला जो
फेर बदल हुआ था, अपहेवल का मतलब यहाँ पर होता है उतार चढ़ाव या फेर बदल हुआ, जो सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, फ्रांस के अंदर। कब हुआ ये, जुलाई 1830 में। अच्छा इस रिवॉल्यूशन को, ये डिफरेंट रिवॉल्यूशन है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, वो नेशनलिज्म के लिए नहीं हुआ था, ठीक है, ना ही वो लिबरलिज्म के लिए हुआ था, वो बस गवर्नमेंट चेंज करने के लिए हुआ था। तो कंजर्वेटिव रिजीम जब आई 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, उसके बाद उन्होंने जो फ्रांस के अंदर, तुमने मैंने लास्ट टाइम तुम्हें ये पढ़ाया था कि फ्रांस के अंदर वो क्या करते हैं, वापस से बॉर्बन फैमिली को रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब ये लिबरल नेशनलिज्म होगा, जब ये फिर से जुलाई रिवॉल्यूशन होगा, तो वो क्या होगा, जो वो सत्ता में बॉर्बन फैमिली को वापस से रिस्टोर कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया जाता है, उसे ओवरथ्रो कर दिया जाता है, ठीक है। द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर द 1850 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरीज। तो एक रिवॉल्ट होता है और जो राजा होता है उसे सत्ता से हटा दिया जाता है। दे इंस्टॉल्ड, और उनकी जगह किसको राजा बना दिया जाता है, लुइस लुइस फिलिपे, जिसको गद्दी पे बैठा दिया जाता है, ठीक है। और ये लोग कौन कौन लोग कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है। क्यों लुइस फिलिपे को बनाया जाता है राजा, क्योंकि ही वॉज द लिबरल किंग, ठीक है, वो एक बहुत ही लिबरल किंग था, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता था। और ये किस तरीके का राज्य होता है यहाँ पर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस से बना दी जाती है। याद करो 1789 में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसमें भी सबसे पहली जो सत्ता आई थी वो कौन सी आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो वापस से जुलाई 1830 में वापस से क्या होता है, बॉर्बन किंग को हटा दिया जाता है और लुई फिलिपे को राजा बना दिया जाता है, और फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस के अंदर आ जाती है। द जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस वॉज अ सिग्नल फॉर रिवॉल्यूशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। और जो ये जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट ने किया था, इसके कारण पूरे यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन की एक लहर सी चलने स्टार्ट हो जाती है। इट लेड टू अ रिवॉल्यूशन इन ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम। तो इसके बाद कहाँ पर रिवॉल्यूशन होते हैं, ब्रुसेल्स में और बेल्जियम में। ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो वो लोग क्या करते हैं, जो ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम है, जो कि नीदरलैंड का पार्ट थे पहले, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। वहाँ पर भी रिवॉल्यूशन होता है, वहाँ पर भी विद्रोह होता है, और विद्रोह के बाद बेल्जियम और ब्रुसेल्स भी अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से लहर चल रही थी किस चीज़ की, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की, और ये रिवॉल्यूशन का एक दौर था। कौन सा दौर, 1830 से लेके 1848 के बीच में। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज व्हेन फ्रांस स्नीजिस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच इज कोल्ड। इस फ्रेज का क्या मतलब है, इट मीन्ट वेन एवर देर वॉज अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, अगर कभी भी रिवॉल्यूशन होगा फ्रांस के अंदर, उसका असर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़ेगा, ठीक है। फ्रांस में होगा लेकिन पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में उसका असर होगा। द अदर कंट्रीज़ रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स। तो अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके कारण से जो भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब था। ये किसने दिया था, तो ये दिया था ऑस्ट्रियन जो एम्पायर थे, उनके प्रिंस हुआ करते थे ड्यूक मैट्रिंग, उन्होंने ये बोला था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसी टाइम की बात है। तो जब ये रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था, उसी टाइम पर ग्रीक ने भी, यानी ग्रीक मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग ग्रीस की। तो यहाँ पर ये देखो फोट, ये मैंने पिक्चर दिखाई हुई है, ये यूरोपियन मैप है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फ्रांस है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है तुम्हें नीचे दिख रहा होगा, बिल्कुल नीचे ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है ग्रीस, ठीक है। ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। उससे पहले यहाँ पर ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, नीचे वाले पार्ट पर, सॉरी, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ओटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। ग्रीक हैड बिन द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो वो ओटोमन एम्पायर के अंडर आया करता था, जिस पर टर्की रूल किया करता था, ठीक है। तो ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 1500 ईस्वी से ही जो ग्रीस है वो क्या था, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था।
द ग्रोथ ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप लेड टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स इन 1821। तो जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है और जो रिवोल्यूशंस हो रहे थे, याद करो कि लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी जब गुसिपी मजीनी ने छोटी छोटी सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी थी रिवोल्यूशन के लिए, विद्रोह के लिए। तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में फैल रही थी उसी टाइम पर। 1821 में भी, ग्रीस में भी ये इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल स्टार्ट होती है। कब होती है? 1821 में, ठीक है। ग्रीस भी आज़ादी के लिए लड़ता है क्योंकि वो किसके अंडर था पहले? ओटोमैन एम्पायर के अंडर था, तो वो किसी और के अंडर था, तो अपने आप को आज़ाद कराने के लिए वो भी अपने एक स्ट्रगल स्टार्ट करता है। फ्रॉम 1820 टू 1825 द ग्रीक पेट्रियट्स फॉट अलोन एंड लेटर दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन द एग्जाइल, ठीक है। स्टार्टिंग में 1820 से लेके 1825 के बीच में जो ग्रीक्स होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, ग्रीक पेट्रियट्स का मतलब यहाँ पर है जो ग्रीस के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा देशभक्त हुआ करते थे, वो अकेले लड़ रहे होते हैं ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई, यानी आज़ादी की लड़ाई। लेकिन धीरे धीरे करके जो बाहर के देश में, जिनको बाहर एग्जाइल कर दिया गया था, एग्जाइल का मतलब यहाँ पर है जिनको देश निकाल दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे थे लोग, उनका भी सपोर्ट इन पेट्रियट्स को मिलने लग जाता है। पेट्रियट्स का मतलब ये जो देशभक्त लोग हैं जो कि रिवॉल्यूशन चला रहे थे अपने देश को आज़ादी के लिए, उनका उनका उनको सपोर्ट कौन करता है? जो बाहर एग्जाइल में लोग रह रहे होते हैं, ग्रीक के लोग रह रहे होते हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग अमीर होने, वो अमीर जो देश से बाहर निकल गए थे, और तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं उन कंट्रीज़ में, और थोड़े पैसे आने लग जाते हैं उनके पास, वेल्दी हो जाते हैं, तो वो वापस से अपने देश वापस आना चाहते होते हैं, तो वो इन जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू ग्रीक क्लासिकल हेरिटेज देर वॉज अ ट्रेमेंडस सिंपथी फॉर द ग्रीक कॉज थ्रू आउट यूरोप। तो क्योंकि ग्रीक का जो कल्चर था, क्लासिकल हेरिटेज थी, यानी कि पुरातत्व, यानी कि पुरानी जो चीज़ें थी जैसे इमारतें, जो डांस फॉर्म्स हैं, ये सब तो लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते थे, जो ग्रीक के लोग हुआ करते थे, अपने क्लासिकल हेरिटेज के कारण बहुत ही ज़्यादा लोग सिंपेथाइज करते थे ग्रीक्स के, कि ग्रीक का जो कल्चर है बहुत ही पुराना है, तो लोग जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी उनको बहुत सपोर्ट किया करती थी। तो मैनी वेल्दी अमेरिकन्स एंड वेस्टर्न यूरोपियंस टुक अप आर्म्स टू जॉइन ग्रीक रिवॉल्यूशंस। तो जो ये आज़ादी की लड़ाई थी ग्रीस की, इसमें बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं, जैसे अमेरिकन्स भी पार्ट लेते हैं, कुछ बहुत अमीर अमेरिकन्स होते हैं वो लोग भी पार्ट लेते हैं, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और इनके देश को आज़ाद कराने के लिए। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस जर्मनी वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी, ठीक है, स्पेन ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्री भी ग्रीस का साथ देती हैं फाइनेंश, कुछ लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ना, यानी कि पैसा दिया जाता है ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। इसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था ग्रीस के इंडिपेंडेंस में, उनका नाम है लॉर्ड बैरोन, ठीक है, लॉर्ड बैरोन। ही वॉज द रिनोन्ड इंग्लिश पोएट, वो एक पोएट हुआ करते थे, इंग्लिश पोएट, स्पेंड टाइम इन ग्रीस, जो कि ग्रीस में रहा करते थे उस टाइम पर। उनका काम क्या होता था? ऑर्गेनाइजिंग द फंड्स एंड सप्लाईज, उनका काम होता था वो फंड्स को ऑर्गेनाइज करते थे, यानी कि जो रिवॉल्यूशन हो रही है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग इंडिपेंडेंस की, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करने का काम किनका होता था? लॉर्ड बायरन का, और वो सप्लाईज इकट्ठा करते थे। बट डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो एक जब वॉर ये लड़ रहे होते हैं, तो जब ये वहाँ पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये बीमार हो जाते हैं बीच में फीवर के कारण। 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। वाइल फाइटिंग फॉर द कॉज हिज डेथ हेल्प टू क्रिएट एन इवन स्ट्रॉन्गर यूरोपियन सपोर्ट फॉर द ग्रीक कॉज। इनकी जो डेथ है इससे इसको, इस इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर, और भी ज़्यादा लोग इसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली द ट्रीटी ऑफ, ठीक है, 1832 में फिर ओटोमन एम्पायर जो है वो दबाव में आ जाता है, और उसको फिर इसको इंडिपेंडेंट करना ही पड़ता है ग्रीस को, ठीक है। एक ट्रीटी होती है साइन, एक ट्रीटी साइन की जाती है 1832 में, जिस ट्रीटी का नाम क्या था? द ट्रीटी ऑफ कैस्टेंटियो कैस्टेंटिनोपोल, ठीक है, कैस्टेंटिनोपोल थी
सिटी का नाम, ठीक है, कैस्टेंटिनोपोल ऑटोमैन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रीटी साइन होती है और उस वो ट्रीटी ये कहती है कि ग्रीस आज से क्या हो गया है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है, ठीक है, और वो आज़ाद हो जाता है। ग्रीस कब आज़ाद हो जाता है, 1832 में। द लॉन्ग एंड द डेस्परेट स्ट्रगल ऑफ द ग्रीक्स इनलिस्टेड एमंस अमंग लिबरल एवरीवेयर इन यूरोप। तो ये जो 1821 से लेकिन 1832 तक की जो ये लड़ाई है 10-11 सालों की, जिससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के निकलता है, इसकी वजह से पूरे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लोग बहुत खुश होते हैं और एक मोटिवेशन की तरीके से इसे यूज़ करते हैं। इट वॉज़ अ हीरोइक एंड एपिक स्ट्रगल, एक हीरोइक और एपिक स्ट्रगल, यानी कि बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है ये वाली स्ट्रगल, कि 11 साल एक कंट्री लड़ाई लड़ता है अपनी आज़ादी के लिए और वो आज़ाद हो जाता है, एंड बिकेम अ टोकन ऑफ नेशनलिस्ट सक्सेस। और ये एक तरीके से जो नेशनलिस्ट लिबरल नेशनलिस्ट लड़ाई लड़ रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उनकी एक सक्सेस की तरीके से लोग इसे देखते हैं। इट्स विक्ट्री गेव एन इंस्पिरेशन टू अदर रिवॉल्यूशंस रिवॉल्यूशनरीज, और इसकी वजह से बहुत सारे अदर रिवॉल्यूशनरीज हैं इसको इंस्पिरेशन के तरीके से यूज़ करते हैं और अपना जो मूवमेंट दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में वो कर रहे थे उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिसिस्ट। रोमांटिसिस्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद का मतलब होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कल्चरल जो इवेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पर, उसने किस तरीके से नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर बनाए रखा, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, प्राकृतिक वाद का मतलब यानी कि रोमांटिसिस्ट का क्या मतलब है। बहुत सारे रोमांटिक मूवमेंट हुए, यहाँ पर रोमांटिक का मतलब हो रहा है म्यूज़िक, सॉन्ग्स, डांस, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कल्चरल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आया था सीबीएसई में, कल्चरल कल्चर हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरी। जो कल्चर है उसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म को बढ़ाने में यूरोप के अंदर 18th और 19th सेंचुरी में। आप इसको सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन नेशनल फीलिंग्स। अगर रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है नेशनल फीलिंग से, तो हम पहले समझते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट होते क्या है। द रोमांटिक मूवमेंट वॉज द कल्चरल मूवमेंट। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया किस क्या कैसा मूवमेंट होता है, कल्चरल मूवमेंट होता है, विच एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ प्राइड एंड नेशनलिज्म। जो किसकी बात करेगा, प्राइड एंड नेशनलिज्म की, ठीक है, कि हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, प्राइड करना चाहिए और हम एक साथ रहेंगे, एक साथ एकजुट करके हम एक राष्ट्र हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना। बाय टर्निंग अटेंशन टू द पास्ट इट स्टर्ड प्राइड इन फोल्क टेल्स, आर्ट एंड पोएट्री, स्टैचूज एंड म्यूजिक। तो ये किसकी बात करते थे, रोमांटिसिज्म में क्या बात होती है, तो इसमें बात होती है फोक टेल्स की, यानी कि जो रीजनल कहानियाँ हैं उनके ऊपर बात होती है, पुराने राजाओं की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, आर्ट्स की बात की जाती है, यानी कि कलाकारी, पोएट्री, स्टैचूज, म्यूज़िक। किसी भी एक देश के फोक टेल, आर्ट, पोएट्री, स्टैचूज और म्यूज़िक, ये है इसका रोमांटिक, यानी ये है रोमांटिसिज्म, याद रख लेना। क्या क्या है, फोक टेल्स, आर्ट, पोएट्री, स्टैचूज एंड म्यूज़िक, ठीक है। लोगों को जो ये सारी चीज़ें क्या करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, कहानियाँ, जैसे पुरानी कहानियाँ लोगों को जोड़ के रखती है कि हमारे पूर्वज कैसे काम करते थे। जैसे हम लोग अभी इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंस की स्टोरी समझते हैं तो हम सब क्या हो जाते हैं, एक साथ जुड़ के रहते हैं, यूनाइट रहते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की फोक टेल्स, आर्ट, पोएट्री, स्टैचूज और म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया नेशनल फीलिंग्स को उभरने के लिए। दे हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो इसने क्या किया, मतलब जो आप अगर आपको नेशनलिस्ट की फीलिंग समझानी है तो लोग क्या किस तरीके से समझाया करते थे, पिक्चर्स बना के, फोटोग्राफ्स बना के, आर्ट बना के, पेंटिंग्स करके, सॉन्ग्स बनाकर, ठीक है, म्यूज़िक के फॉर्म में, स्टैचूज के फॉर्म में,
फैलाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थे ये पार्ट, ठीक है। द रोमांटिक मूवमेंट आल्सो एम्फेसाइज इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स सेंटिमेंट्स इंस्टेड ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट। तो जो ये रोमांटिक मूवमेंट्स हैं, कौन से मूवमेंट्स, जो कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, कहानियाँ सुनाना, सॉन्ग्स, प्लेज, ठीक है, म्यूज़िक के थ्रू, तो ये जो चीज़ें हैं इससे लोगों के बीच में जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स हैं ये लोगों को जोड़ पा रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स हैड फर्म बिलीफ इन द वैल्यूज़ ऑफ पॉपुलर ट्रेडिशंस एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो लोग गाने लिखा करते थे, स्टैचूज बनाया करते थे, म्यूज़िक बनाया करते थे, वो लोग, उनका बिलीफ था कि जो ये पॉपुलर ट्रेडिशन है हमारा, जो पुराना तरीका, पुराना ट्रेडिशन है हमारा, और नेशनलिस्ट डेवलपमेंट है, यानी जो हम अगर पुरानी कहानियाँ सुनाएंगे लोगों को, पुराने गाने सुनाएंगे लोगों को देश के लिए, तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो इसी तरीके से सोच के अपने जो फोक टेल्स हैं, आर्ट्स हैं, स्टैचूज हैं, पोएट्री हैं, ये बनाया करते थे। दे क्रिएटेड अ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल कॉमन कल्चरल पास्ट। तो किस तरीके का क्रिएशन किया करते थे वो लोग, कल्चरल हेरिटेज, पुरानी बातों के बारे में बताया करते थे, कि हेरिटेज मतलब होता है यहाँ पर कि हमारी इमारतें, हमारे पुराना इतिहास, और कॉमन कल्चरल पास्ट के बारे में लोगों को समझाया करते थे अपने क्रिएशन से, या तो वो आर्ट्स की तरीके से हो सकता है, म्यूज़िक के तरीके से हो सकता है, कहानियों के तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से होता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक है एवन डेकोलोइस, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, ये पेंटर हुआ करते थे, यहाँ पर मैंने देखो फोटोग्राफ भी दी हुई है इनकी। ही डिवास्टेटेड द किलिंग ऑफ ग्रीक बाय टर्क्स, ठीक है, इन्होंने जो ग्रीक्स को टर्की वाले लोगों ने मारा था तो उसके ऊपर पेंटिंग बनाई थी और उसको बहुत अच्छे से दिखाया था। फोकस्ड ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एंड यूज्ड विविड कलर्स। तो जो ये पेंटिंग इन्होंने बनाई थी जिसमें इन्होंने क्या दिखाया था कि जो ग्रीस के लोग थे उनको जब टर्की के लोगों ने मारा तो उसकी पेंटिंग बनाई इन्होंने, जिसमें बहुत सारी औरतों को, बच्चों को जो मारा गया था उस टाइम की जो फोटोग्राफ इन्होंने पेंट की थी उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर यूज़ किए थे बताने के लिए, एक तरीके से जिससे लोगों को ये पता चले कि कितना दुष्कर्म हो रहा है देश में, ठीक है। ही ट्राई टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द पीपल एंड क्रिएट सिंपथी फॉर द ग्रीक्स। तो इसकी वजह से जो इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, इसकी वजह से ग्रीक के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया और ये लगा कि मतलब इस पेंटिंग ने बहुत हेल्प की ग्रीस की इंडिपेंडेंस में भी। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। देखो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फोल्कलोर फोल्क सॉन्ग्स रेज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो ये लोक संगीत है, लोक साहित्य है, इसने किस तरीके से एक नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में बना के रखी, कैसे बना के रखी, ठीक है। एक जर्मन फिलोसोफर हुआ करते थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर बिलीव डेट द ट्रू जर्मन कल्चर कैन बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। अगर आपको जर्मन कल्चर के बारे में पता करना है तो आपको किससे मिलना चाहिए, जर्मन कॉमन पीपल से, ठीक है। तो जो एक जर्मन कल्चर है कैन बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल से हमें जर्मन कल्चर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। देखो जब भी फोल्क लोर और फोल्क सॉन्ग की बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है लोकल, रीजनल लेवल पर, ठीक है, बिल्कुल लोकल लेवल पे जो डांस फॉर्म्स होती हैं उसे कहा जाता है फोल्क लोर, या संगीत होता है, सॉन्ग्स होते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है, फोल्क सॉन्ग्स, या फिर साहित्य होता है यानी किताबों के बारे में या लिटरेचर, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, फोल्क लोर और फोल्क सॉन्ग्स, यानी कि रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो इनका ये मानना था कि जो जर्मन कल्चर को अगर तुम्हें समझना है तो जाके किससे मिलो, जर्मन में जो कॉमन पीपल रह रहे हैं उनसे मिलो, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे जर्मन कल्चर के बारे में। इट वॉज थ्रू द स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्रीज, फोल्क डांसेस डेट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वॉज पॉपुलराइज।
तो किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज कराई गई, वो है फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्रीज, फोल्क डांसेस, ठीक है, इसके थ्रू इसकी फीलिंग जो थी वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसे पॉपुलराइज कराया गया, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फॉल्क कल्चर बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जो फॉल्क कल्चर है उसको कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना एक नेशन को बनाने की तरीके से इम्पॉर्टेंट होता जा रहा था, क्योंकि लोग जब पुरानी कहानियाँ सुनते थे, पुराने पोएट्री के थ्रू कहानियाँ सुनाई जाती थी लोगों को, बताया जाता था सॉन्ग्स के थ्रू, डांसेस की तरीके से, प्लेस की तरीके से, तो लोग बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, और एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी थी। द फोल्क लोर एंड द फोल्क म्यूजिक कैन कैरी द नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस। और इस म्यूज़िक के थ्रू और इस साहित्य के थ्रू यानी लिटरेचर के थ्रू लोगों के, ज़्यादा लोगों के पास तक ये नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ये ज़्यादा लोगों तक फैल पा रही थी बहुत आसानी तक, आसानी से। दिस स्पेशली ट्रू फॉर पोलैंड। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर हमने समझा कि फोल्क लोर और फोल्क सॉन्ग जो है क्यों इम्पोर्टेंट था और किस तरीके से उसने नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों तक पहुँचाई। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल से, समझेंगे, पोलैंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि पोलैंड में किस तरीके से फोल्क लोर और फोल्क सॉन्ग ने बहुत हेल्प की नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ाने में। देखो, दिस स्पेशली ट्रू ऑफ पोलैंड। पोलैंड वॉज पार्टीशन बिटवीन प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। याद करो, कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी जब चार कंट्रीज जीती थी और फ्रांस की हार हुई थी, नेपोलियन की हार हुई थी। तो इन चार कंट्रीज़ ने क्या किया, जो पोलैंड था उसको उसके पार्टीशन कर दिए, कुछ हिस्सा पर्शिया ने ले लिया, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया ने ले लिया और कुछ हिस्सा रशिया ने ले लिया, जिसकी वजह से जो पोलैंड के लोग थे वो बट गए थे, तीन अलग अलग किंगडम्स उन्हें रूल कर रहे थे। ऑल दो पोलैंड वॉज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट नेशनलिस्ट फीलिंग वर कैप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। क्योंकि देखो, पोलैंड तो बट चुका था, लेकिन फिर भी जो पोलैंड के लोग थे उनके अंदर अभी भी नेशनलिस्ट की फीलिंग थी। किस तरीके से थी वो, जो ये म्यूज़िक है, लैंग्वेज है, इसकी वजह से, जो उनकी लैंग्वेज थी पॉलिश लैंग्वेज, उसको वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज और म्यूज़िक है इसने इन्हें बांध के रखा, और पोलैंड चाहे अलग अलग एम्पायर के अंडर था लेकिन फिर भी लोगों के अंदर फीलिंग किस तरीके की थी, नेशनलिज्म की फीलिंग की, देखिए कि हम लोग कहाँ के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे नेशनलिस्ट थे जिनका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। सेलिब्रेटेड द नेशनलिस्ट स्ट्रगल थ्रू ओपेरा एंड म्यूज़िक। ये ओपेरा बजाया करते थे, म्यूज़िक के फॉर्म में सेलिब्रेट किया करते थे नेशनलिस्ट स्ट्रगल को, मतलब एक तरीके से बताया करते थे लोगों को म्यूज़िक के फॉर्म में कि हम जो हैं किस देश के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं। तो वो वहाँ का म्यूज़िक यूज़ किया करते थे और लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग बरकरार उन्होंने रखी थी। द फोल्क डांसेस लाइक पोलनिश एंड मुजरका बिकेम द नेशनलिस्ट सिंबल। तो जब ये ऑस्ट्रिया, प्रशिया और इसके अंडर आए तो लोगों ने और ज़्यादा अपने जो फोल्क डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उनको ज़्यादा सुनना और ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो बराबर चलती रही, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट गेव इम्फेसाइज ऑन द यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। तो और किस तरीके से रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या क्या किया जिसकी वजह से ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, या हमारा एक देश है उसकी फीलिंग बरकरार रही लोगों के अंदर, वो था वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज। चाहे वो ऑस्ट्रिया के अंडर आ गए थे, पोलैंड के लोग अभी भी ऑस्ट्रिया के अंडर आए थे, पर्शिया के अंडर आए थे, लेकिन या रशिया के अंडर आ गए थे, लेकिन वो लोगों ने अभी भी अपनी लोकल लैंग्वेज जो है यूज़ करना बंद नहीं किया था। वो दे आर यूजिंग देयर लोकल लैंग्वेज, और वो लोकल लैंग्वेज क्या थी उनकी, पॉलिश। आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पोलैंड। हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इसमें कि रशिया के जो जो पार्ट पोलैंड का रशिया के अंडर था, तो उस वहाँ पर क्या हुआ, जिससे ये पता चलता है कि
जो पोलिश लोग थे वो कितना अपने कल्चर को माना करते थे। देखो, आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ पोलैंड, द रशियन एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ रशियन लैंग्वेज इन स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस इन प्लेस ऑफ पोलिश लैंग्वेज। तो जब रशिया के अंदर आया पोलैंड, जो पार्ट रशिया को मिला था पोलैंड का, उस पार्ट में रशिया का जो एम्पायर था, उसने क्या किया, दे एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ रशियन लैंग्वेज इन स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस इन प्लेस ऑफ पॉलिश लैंग्वेज। तो जिस एरिया को उसने कंट्रोल किया हुआ था रशिया ने, उन्होंने वहाँ पर सारी लैंग्वेजेस चेंज करवा दी। और अब कौन सी लैंग्वेज कंपलसरी करा दी थी, उन्होंने लैंग्वेज कंपलसरी करा दी थी रशियन लैंग्वेज। ठीक है, तो लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इट वॉज सेवरली प्रोटेस्टेड एंड वॉज क्रश सून बाय द रशियन आर्मी। तो लेकिन रशियन आर्मी ने उसे दबा दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हम स्कूलों में अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे, और सब बहुत जगह जहाँ पर जैसे प्रेयर्स होती हैं, चर्चेस होते हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि अब रशियन लैंग्वेज यूज़ होगी। लेकिन पोलैंड के जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को मना किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्योंकि रशियन एम्पायर के अंडर था वो, तो रशियन आर्मी ने उसे दबा दिया पूरी तरीके से। तो एक क्वेश्चन भी है, हाउ डिड द पॉलिश यूज़ देयर लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशिया। तो अब उन्होंने क्या किया, पोलैंड वाले लोगों ने क्या किया, अब क्योंकि स्कूलों का और बहुत अदर जगहों का तो दबा दिया था रशिया की जो आर्मी थी उसने, लेकिन लोगों ने अभी भी जो लोग थे पोलैंड के लोग थे वो लोग इसी को यूज़ करते थे, लैंग्वेज को यूज़ करते थे एज अ वेपन अगेंस्ट द रशियन एम्पायर। और वो ज़्यादातर अपना जो गुस्सा है वो किस तरीके से दिखाते थे कि वो ज़्यादातर पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज में बात किया करते थे। हाउएवर द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी कौन हुआ करते थे, जो चर्च में रहते थे, द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी कंटिन्यू टू प्रीच इन अ पोलिश लैंग्वेज इन ऑल चर्च गैदरिंग्स एंड सेलिब्रेशंस। तो अब पोलैंड के जो चर्च में जो क्लर्जी हुआ करते थे, ठीक है, जो पादरी होते हैं, ठीक है, जो फादर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो अभी भी जो प्रीचिंग दिया करते थे, जो लोगों को बताया करते थे, जो टीचिंग्स दिया करते थे, वो किस किस लैंग्वेज में दिया करते थे, जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि रशियन लैंग्वेज में देनी है आपको टीचिंग्स, लेकिन फिर भी वो किस लैंग्वेज में दिया करते थे, पॉलिश लैंग्वेज में ही वो अभी भी टीचिंग्स दे रहे थे। इन ऑल द चर्च गैदरिंग्स एंड सेलिब्रेशंस, जितनी भी चर्च गैदरिंग्स होती थी, जितने भी सेलिब्रेशंस होते थे, वहाँ पर वो अभी भी जो क्लर्जी थे, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी थे, वो किस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, पॉलिश लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। ये एक तरीका था उनका प्रोटेस्ट करने का। एज अ रिजल्ट देवर पुट इन टू जेल और एग्जाइल टू साइबेरिया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो रशियन गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने इनको जेल कर दिया कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को देश से निकाल के, मतलब रशिया में एक बहुत ठंडी जगह है जिसका नाम होता है साइबेरिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है। तो उस टाइम पर जब भी किसी भी इंसान को देश निकाला जाता था तो उसे कहाँ भेज दिया जाता था, साइबेरिया, ताकि वो ठंड से ही मर जाए। द यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ सिंबल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो जो पॉलिश लैंग्वेज है उसका यूज़ बहुत किया पोलैंड के लोगों ने अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, ठीक है, और ये एक तरीके से रेजिस्टेंस था उनका, मतलब वो अपने अपना एक गुस्सा जो है बताया करते थे पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करके। तो आई होप कि तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हो गई हो, एक फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म समझ में आया हो तुम्हें, ग्रीक का इंडिपेंडेंस समझ में आया हो। तो यहाँ तक आज का ये पीरियड ख़त्म होता है हमारा, बाकी हम कल पढ़ेंगे जो हार्डशिप हुई थी 1830 से 1848 के बीच में, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।